कश्मीर में अलर्ट, रामबाग और हैदरपुरा मुठभेड़ के बाद घाटी की सुरक्षा और कड़ी, कई इलाकों में अतिरिक्त जवानों की तैनाती। घाटी में 3 बड़ी मुठभेड़ों में 12 आतंकियों का खात्मा किया गया है। इन मुठभेड़ों के बाद कई संदिग्ध सोशल मीडिया के जरिए लोगों को उकसाने में लगे हैं। इसे देखते हुए सुरक्षा एजेंसी सक्रिय हो गई है। जम्मू कश्मीर में बड़ी कार्रवाई, सरकारी भूमि से हटवाए जा रहे अतिक्रमण। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सरकारी भूमि को खाली करवाने के लिए बड़ा अभियान चलाया है। जम्मू संभाग के सभी जिलों में पहले दिन हजारों कनाल भूमि को खाली करवाया गया। जम्मू कश्मीर में बारिश से बर्बाद फसल की राहत राशि डालेगी खातों में 1,00,000 किसानों को राहत। प्रदेश में ओलावृष्टि से बर्बाद हुए धान की फसल का मुआवजा सीधा किसानों के खाते में डाला जाएगा। इसके लिए सभी किसानों के बैंक की जानकारी जुटाई जा रही है। रजौरी में घुसपैठ कर रहा पाकिस्तानी आतंकी मारा गया, जिसे हथियार और अन्य सामान बरामद किए गए। रजौरी जिले के बिंबर गली में घुसपैठ कर रहा पाकिस्तान आतंकी को सेना ने मार गिराया है। उसके पास से हथियार और अन्य सामग्री मिली है। घुसपैठ की आशंका को देखते हुए सेना ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के हीरानगर में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा पुलिस ने कब्जे में लिया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांव में पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने से सनसनी मच गई। लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने गुब्बारे को कब्जे में ले लिया। नर्सिंग के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए विचार विमर्श, कटरा में 2 दिवसीय CNI कार्यक्रम। शुक्रवार को दूसरे दिन विभिन्न नर्सिंग कॉलेजों और अस्पतालों के कई प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नर्सिंग के सभी क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देना है। दुकानदारों को तंग करने के विरोध में डोगरा फ्रंट शिवसेना की 3 दिसंबर को जम्मू बंद की चेतावनी। डोगरा फ्रंट शिवसेना ने जम्मू नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए शुक्रवार को जम्मू बंद की चेतावनी दी है। महंगाई हटाओ रैली, महंगाई के खिलाफ 12 दिसंबर को दिल्ली में रैली निकालेगी कांग्रेस। सोनिया राहुल सभा को करेंगे संबोधित। देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। इसके तहत कांग्रेस 12 दिसंबर को दिल्ली में महंगाई हटाओ रैली निकालने जा रही है। कोरोना का नया वेरिएंट, ICMR के विशेषज्ञ बोले नए स्ट्रेन से घबराए नहीं, अभी और भी आते रहेंगे वायरस म्यूटेशन। ICMR के चीफ ने बातचीत में बताया कि इस तरह के और नए वेरिएंट अभी सामने आते रहेंगे, ऐसे में किसी भी तरह के नए वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है।